आप जानते हैं कि भारत में चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। पार्टियां क्लेम करती हैं कि ये पैसा डोनेशन से आता है, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी या इजराइल जैसे देशों में चुनावी फंडिंग का क्या तरीका है? भारत में तो मोटा मोटा कॉरपोरेट्स, बिजनेसमैन या आम लोग डोनेशन दे देते हैं, लेकिन विदेशों में तो सरकार खुद चुनावी फंडिंग करती है। तो क्या वहाँ भी चुनावों में खर्च को लेकर हालात भारत जैसे ही हैं? इंडिया टुडे मैगजीन में इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपी कौशिक टेका की कवर स्टोरी चुनावी चंदे से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब देती है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। देश को काले धन से निजात दिलाने के तर्क के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को तड़क भड़क वाले कदम नोटबंदी का ऐलान कर दिया। पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। इसके कुछ महीने बाद 2017 के वित्त विधेयक में इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लाई गई। करीब 7 साल बाद 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया और डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया। इसके बाद चंदे के खेल की परतें खुलनी शुरू हुई, लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी चंदे के तरीकों की, और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी कई चीज़ें हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की 2019 की स्टडी बताती है कि लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव खर्च 20 साल में 6 गुना बढ़ा है। 1998 में 9000 करोड़ रुपए से छलान लगाकर 2019 में ये 55000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कल्पना कीजिए कि ये पैसा उस साल मनरेगा के लिए आवंटित कुल रकम के 90% के बराबर है। आर्थिक और कारोबारी क्षेत्रों पर सरकार और निर्वाचित पदाधिकारियों को जिस तरह के अधिकार हासिल हैं, उसे देखते हुए वे मनचाहे तौर तरीके से बेहिसाब धन इकट्ठा करते रहेंगे। राजनीति और चुनाव प्रणाली में बड़े सुधार नहीं होने के चलते जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हम उन स्रोतों की बात कर रहे हैं जिससे चुनावों में पार्टियों को पैसा मिलता है, तो इसकी शुरुआत इलेक्टोरल बॉन्ड से ही करते हैं। मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच 28,030 इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री हुई। इन बॉन्ड्स की कुल रकम 16,518 करोड़ रुपए है। अब ये देखिए कि चुनावी बॉन्ड का पैसा किसके पास कितना गया। वित्त वर्ष 2018 से 2023 तक सिर्फ बीजेपी को 6,566 करोड़ रुपए मिले। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के कुल चंदे का 55% था। कांग्रेस को 1,123 करोड़ रुपए मिले, ये 9.3% थे। टीएमसी को 1,093 करोड़, बीजेडी को 774 करोड़, डीएमके को 616 करोड़, बीआरएस को 913 करोड़ और वाईएसआरसीपी को 382 करोड़ रुपए मिले। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे की बात हुई, लेकिन जो दूसरे स्रोतों से पैसा मिला उसमें भी बीजेपी सबसे आगे है। वित्त वर्ष 2017 से 2022 के बीच कॉरपोरेट घरानों ने राष्ट्रीय पार्टियों को बैंक डोनेशन और चुनावी ट्रस्ट के जरिए 3,895 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसका 85% यानी करीब 3300 करोड़ रुपए बीजेपी के पास गए। कांग्रेस को इसका 10% यानी करीब 406 करोड़ रुपए मिले। बाकी 5% में एनसीपी, टीएमसी और सीपीआईएम जैसी पार्टियां हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में चुनावी चंदे को लेकर अलग अलग नियम हैं, लेकिन भारत को छोड़कर बड़े लोकतांत्रिक देशों में एक चीज कॉमन है कि वहां सरकार भी चुनावी फंडिंग करती है। कुछ देशों का उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। कनाडा में कॉरपोरेट चंदे को मंजूरी है, लेकिन विदेशी चंदे पर रोक है। गुमनाम चंदे पर भी सीमा तय है, चंदे की रकम पर भी लिमिट है, पार्टियों और उम्मीदवारों के खर्च पर भी लिमिट है, उनके खर्च की पूरी जानकारी देना जरूरी है और सरकारी फंडिंग की भी व्यवस्था है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ कोई पार्टी न तो कॉरपोरेट चंदा ले सकती है न ही विदेशी चंदा। गुमनाम चंदे और चंदे की रकम पर लिमिट है, पार्टियों के खर्च पर भी लिमिट है, लेकिन उम्मीदवारों पर नहीं। पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए वित्तीय ब्यौरों का खुलासा करना जरूरी है, सरकारी फंडिंग की भी मंजूरी है यहाँ। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कॉरपोरेट चंदे की मंजूरी है, लेकिन विदेशी चंदे पर पूरी तरह रोक है। गुमनाम चंदे पर भी सीमा तय है, चंदे की रकम पर कोई लिमिट नहीं है, पार्टियों और उम्मीदवारों दोनों के खर्च पर लिमिट है, खर्च का खुलासा करना भी जरूरी है, सरकारी फंडिंग की मंजूरी है। कितना खर्चा कर पाएंगे पार्टी या कैंडिडेट उनके हिसाब देना पड़ता है। कई देशों में अलग अलग प्रावधान है इस विषय को लेके, जैसे कि भारत में भी कैंडिडेट के खर्चे पे एक सीमा है, ऊपरी सीमा है, लेकिन पार्टियों के खर्चे पे कोई ऊपरी सीमा नहीं है। स्टार कैंडिडेट, स्टार कैंपेनर जो होते हैं उनके खर्चे पे कोई सीमा नहीं है। अलग अलग देशों में देखा जाए तो उनपे
कुछ देशों में पार्टी के खर्चे पे सीमा है, कुछ देशों में कैंडिडेट के खर्चे पे सीमा है, कोई भी सहमति नहीं है। साथ में कुछ देशों में जो सरकार की तरफ से वित्त पोषण की प्रावधान है, चुनावी वित्त पोषण की कुछ प्रतिशत तक, और कुछ देशों में काफी ज्यादातर पे चुनावी वित्त पोषण होते हैं सरकार की तरफ से। भारत में वो व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हुआ है। अलग अलग पद्धति अपनाते हैं अलग अलग देशों में वित्त पोषण के लिए, सरकारी वित्त पोषण के लिए। जैसे कुछ देशों में कितने वोट मिलते हैं, कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं पिछले चुनाव में, उस पर निर्भर करते हैं पार्टियां, पार्टी को कितना मिलेंगे सरकार की तरफ से चुनाव में। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के आंकड़े भी उसी तरफ इशारा करते हैं। इसके आंकड़ों के अनुसार 68% से ज़्यादा देश राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को किसी न किसी रूप में डोनेशन देते हैं। यूरोप के 86% देशों, अफ्रीका में 71%, अमेरिका कॉन्टिनेंट के 63% और एशिया के करीब 58% देशों में राजनीतिक दलों को सरकारी फंडिंग का चलन है। भारत में भी चुनाव की सरकारी फंडिंग की व्यवहारिकता पर 4 रिपोर्ट्स में बात की गई है। 1988 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट, 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट, 2001 की संविधान की वर्किंग समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट और 2008 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। इनमें से 3 में किसी न किसी रूप में सरकारी फंडिंग की सिफारिश की गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये शर्तें हैं कि राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र और वित्तीय मामलों में पूरी तरह पारदर्शिता हो। हालांकि कई एक्सपर्ट सरकारी फंडिंग के पक्ष में नहीं दिखते। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकारी फंड मुहैया होने से चुनाव खर्च कम होगा या पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। जब तक चुनाव खर्च की सीमा पर सख्ती से अमल नहीं किया जाता, सरकारी फंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2010 में मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके ओम प्रकाश रावत भी कहते हैं, चुनाव में कॉरपोरेट चंदे और काले धन पर नियंत्रण लगाए बिना सरकारी फंडिंग से व्यवस्था की गंदगी दूर नहीं हो पाएगी। अब बात काले धन की करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के एक विश्लेषण से पता चला कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हर जीतने वाले उम्मीदवार ने औसतन 58 लाख रुपए खर्च किए, जो चुनाव आयोग की तरफ से तब तय 70 लाख रुपए की खर्च सीमा से 12 लाख रुपए कम थे। हारने वाले उम्मीदवारों ने अगर इसका आधा भी खर्च किया हो तो मैदान में उतरने वाले सभी 8048 उम्मीदवारों का कुल खर्च 4667 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। इसमें वे 2591 करोड़ रुपए और जोड़ लीजिए जो 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने 2019 के चुनाव में खर्च के तौर पर घोषित किए हैं, तो खर्च की गई रकम बढ़कर 7000 करोड़ हो जाती है। जबकि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की स्टडी के मुताबिक पार्टियों और उम्मीदवारों के प्रचार अभियान पर कुल 47000 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो यह सवाल उठता है कि बाकी 40000 करोड़ रुपए कहाँ से आए। इस धन का स्रोत का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इसके बिना देश के चुनावी नतीजों को भ्रष्टाचार और काले धन के असर से मुक्त नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2015-17 में भारत में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले कुल चंदे में 66% गुमनाम स्रोतों से आया है और इस 66% पैसे में से 81% सिर्फ चुनावी बॉन्ड से आया। वित्त वर्ष 2019-22 में ऐसे ही कुल चंदे का 72% गुमनाम स्रोतों से आया, यानी ये पैसा किसने दिया इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारत में चुनावी बॉन्ड का मामला सामने आया और ये बात आई कि इलेक्टोरल फंडिंग को क्लीन करना है। अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो ये भी समझ में आएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही इसी तर्क पे लाया गया था, इसी लॉजिक के साथ लाया गया था कि हमको इलेक्टोरल फंडिंग को क्लीन करना है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो दुनिया के कई प्रमुख देशों का उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि जहाँ पे कि इस दिशा में कुछ कोशिशें हुई हैं। जैसे ब्रिटेन में अगर एक साल में भारतीय रुपए में अगर बात करें तो 8 लाख रुपए से कम की अगर या 8 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप दान देते हैं किसी को तो उसको डिस्क्लोज करना होता है। 8 लाख रुपए से कम की जो फंडिंग है उसको डिस्क्लोज नहीं करना होता है। जर्मनी में ये लिमिट 9 लाख की है और अमेरिका में बात करें तो वहाँ 2010 के आसपास डार्क मनी को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, उसको लेकर के उसको कैसे उस दिशा में सुधार करने हैं इसको लेकर के भी बातचीत हुई। लेकिन ये अभी एक दुनिया में जद्दोजहद है कि कैसे इसको बैलेंस करें। तो भारत के लिए उलझन अकेला ऐसा भारत देश नहीं जिसके लिए उलझन है, बल्कि और भी देश इस समस्या से उलझ रहे हैं और एक इसका रास्ता ऐसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इलेक्शन में जो इलेक्टोरल फंडिंग है वो क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्रेडिबल हो।
भारत में संसदीय चुनाव में कोई उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। छोटे राज्यों में यह रकम 70 लाख और 28 लाख है। 2019 में देश भर में 3,456 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, नशीले पदार्थ, शराब, बेशकीमती धातु जैसे सोना चांदी और मुफ्त खैरातें जैसी चीज़ें जब्त की गई थी। 2014 में जब्त की गई चीज़ों की रकम लोकसभा चुनाव आयोजित करने के लिए सरकार की तरफ से किए गए आधिकारिक खर्च की रकम की करीब 90% थी। चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के बेहिसाब खर्च को कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट्स अलग अलग सुझाव भी देते हैं। 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के हिसाब किताब का CAG से निर्धारित समिति ऑडिट करे। राजनीतिक पार्टियों के खर्च पर भी सीमा लगाई जानी चाहिए। 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं कि चुनावों में सरकारी फंडिंग ही आगे का रास्ता है। पार्टियों को हासिल हर वोट के आधार पर एक मुश्त रकम मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय चुनाव कोष होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है, लेकिन ये सच है कि फिलहाल भारत में चुनावी खर्चों पर नियंत्रण और सख्त निगरानी की ज़रूरत है, वरना चुनाव केवल पैसे वालों की कुश्ती बनकर रह जाए। आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।